अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर यासीन है। मैं यू एम सुमीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 9 का सेकंड टर्म एंजाइम चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड अप द रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन बट ओनली अ लिमिट। एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें हम एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, हम उस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंजाइम के काम करने की रफ्तार भी तेज़ हो जाती है। मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाते हैं और एंजाइम के काम करने की रफ्तार बढ़ जाती है। एक ख़ास टेम्परेचर तक, जब तक हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, एंजाइम के काम करने की रफ्तार भी तेज़ हो जाएगी, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक। उस पॉइंट के बाद एंजाइम काम करने की रफ्तार रुकना शुरू हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। एवरी एंजाइम वर्क्स एट अ मैक्सिमम रेट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसमें सारे एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर अच्छा काम करते हैं, उस टेम्परेचर को कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। इंसान की बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस टेम्परेचर पर इंसान के बॉडी के एंजाइम बेहतरीन काम करते हैं, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर एंजाइम के काम करने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता काम होना शुरू होकर ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी। व्हेन टेम्परेचर राइजेस टू लिमिट्स, हीट एड्स इन देयर एक्टिवेशन एनर्जी एंड आल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर द रिएक्शंस। अगर टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा होता है, ऑप्टिमम से ज़्यादा हो जाता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी में हीट ऐड होती है और काइनेटिक एनर्जी उस रिएक्शन के मॉलिक्यूलों के एटमों की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। सो रिएक्शंस आर एक्सीलेंट, और रिएक्शन की रफ्तार क्या हो जाती है, बहुत तेज़ होना शुरू हो जाती है। व्हेन टेम्परेचर रेज्ड अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, लेट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 है, और अगर टेम्परेचर 37 से अबव जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, वाइब्रेशन, हीट एनर्जी इंक्रीजेज वाइब्रेशन ऑफ एटम ऑफ एंजाइम। एंजाइम के अंदर जो अमीनो एसिड है और अमीनो एसिड के अंदर जो एटम है, तो हीट क्या करेगी, उन एटमों की वाइब्रेशन जो है, अब एटमों के अपने पॉइंट के इर्द गिर्द हर करने की जो ताकत जो है वाइब्रेशन, उसको बढ़ा देगी। जैसे ही वाइब्रेशन बढ़ेगी तो एटम की स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाएगी, यानी जो है वो अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर टूटना शुरू हो जाएगी। अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर टूट जाएगी तो एंजाइम की स्ट्रक्चर भी टूट जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। इस सूरत हाल को, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, एटम की वाइब्रेशन बढ़ जाए और एटम की स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाए, ये प्रोसेस कहलाता है डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। इट रिजल्ट इन रैपिड डिक्रीज इन रेट ऑफ एंजाइम। इसका क्या होगा, एंजाइम जब डीनेचर हो जाएगा तो काम करने के काबिल नहीं रहेगा, एंजाइम के एक्शन करने की रफ्तार जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और इट मे रिजल्ट इन ब्लॉक। और आखिरकार क्या होगा, वो एंजाइम जब उसके सारे एटम्स ब्रेकअप हो जाएंगे, वो बिल्कुल टोटली काम करना ख़त्म कर देगा।